मध्य प्रदेश के सागर में बीते 5 अगस्त से बस संचालक लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बस मालकों और कर्मचारियों का कहना है कि बसों को पुराने बस स्टैंड से दोबारा से शुरू किया जाए। वहीं बस यूनियन की इस हड़ताल में अब बस संचालकों के साथ लोगों ने अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है और बस ऑपरेटर के साथ अब लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। बता दें कि बस यूनियन के साथ ऑटो चालकों ने भी बस स्टैंड को पुनः शुरू करने को लेकर एक विशाल रैली निकालकर सागर की सड़कों पर उतरकर सागर प्रशासन को चेताया था और बस ऑपरेटरों को खुला समर्थन दिया था। वहीं सागर के पुराने बस स्टैंड को शुरू करने को लेकर अब व्यापारी संगठन ऑटो यूनियन के साथ जनता भी आगे आई है और इस हड़ताल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक वह लगातार हड़ताल पर रहेंगे। अब देखना होगा कि सागर के पुराने बस स्टैंड को शुरू करने को लेकर प्रशासन बस यूनियन से क्या चर्चा करता है या बस यूनियन लगातार अपनी मांगों को लेकर यूं ही हड़ताल जारी रखेगा, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।